अभी जी महाराणा प्रताप सुनेंगे एक सब बैठ जाएंगे, बहुत आनंद आएगा आपको और सुनने में आपको आनंद आएगा, इन भाई साहब को गाने का आएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे को ये अंदाजा लगाया कि बहुत ही अच्छा गाएंगे, इसलिए सही से ले रहे हैं। ज्यादा नहीं तो कम से कम महाराणा प्रताप का समय 10-15 मिनट का होगा, 10 मिनट होगा, 10 मिनट में कुछ नहीं जाएगा हमारा, बैठ के सुनेंगे तो हमें आनंद आएगा और भाई मालिक जी इनको गाने में आएगा, इसलिए बैठ गए। जागरण नाम जागरण जागरण का मतलब कही है जा और कुछ ग्रहण कर, जागरण थारो मती कमाजे ए माँ तू किसी बेटे को किसी संतान को जन्म दे ऐसा होना चाहिए। मार मारे लोगे हल्दी अजी खुद गिर के पूरी दुनिया के बाहर बाहर तो कोई नहीं हो जो जननी जन जय साजन भक्त दादा के शूर नींद नहीं जे बाजनी थरो मती गमाजे जननी पनीता पर भी हो गोली आग तड़ी अरे कमोण में तारी नीति कोनी ने खावण में नीत तड़ी ने जद नी जने चार जन मत जन चाली वे चारू रण रण जना जो चारो रा चाली अजी सतिया सत मत छोड़ जो सत छोड़िया पद जाए सतरी बंदी लक्ष्मी से मिलेगा। हां इस भारत वर्ष में एड़ा सूरवीर वीर तेजा जी महाराज अरे गोगा जी महाराज अरे जमो जी महाराज और भगवान के रूप में श्री रामदेव जी महाराज सभी भक्त और भगवान लोग उतार हुए लेकिन सूर भी वे तो हमारे नागौर में वीर तेजा जी महाराज हैं। क्या बात है अपनी गाय माता के वास्ते आपका प्राण दे दिया है सूर भी तो प्रभु जी रखोड़ देलो और अपनी गाय माता के वास्ते आपने ब्याह के छोड़ दियो हमारा रुपए छोड़ दे हमारे कोई भई के लिए ब्याह में पनी जी भी जावे और तोरण मा दूंगो है फोन आएगा कि कहीं भी थारा दादाजी किया मैं बंदे जाऊं ना दादाजी मुगलाड़ी जाती रही इन्हीं को ना सब जाने माना प्रताप एड़ो कोई शख्स को महाराणा प्रताप ने बोलना पहले कोई पूछ लो और आनंद पहले पड़िया पर महाराणा प्रताप ने तुम भी जाने हैं महाराणा प्रताप नाम ही महाराणा प्रताप पर कोई मोहल्ले में महाराणा प्रताप को छोरो नाम रखते को गांव धड़ी के महाराणा प्रताप पर आप लोग के गेम है बे गांव धड़ी महाराणा प्रताप जन्म जन्म एड़ो जन जेड़ो महाराणा प्रताप अकबर सुतो हो सके जो जान सिनाने मुगल बादशाह अकबर इंडिया रो किंग भारत माते राज कर तो वो भी महाराणा प्रताप ने सपना में देख तो उड़ जा तो बोले मारो काल माते खत्म कर देना भाई भाई क्या कभी माधव जी की आवे सामने सुधर कर रहे हो और आप सभी दिन ताल ना चाहते हैं हल्दी घाटी में समर लगे हल्दी घाटी में समर लगे मुझे तक रो असवार कथे मायड़ थारो वो भूत कथे वो एक लिंग दीवान कथे वो महाराणा पदरापर कथे
कलम की धार यानी तलवार की धार से भी तेज होती है। जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। और कवि की बड़ी ही सुंदर सुंदर रचनाओं में ये पंक्तियां लिखी ध्यान से सुनिएगा। मैं बांचो हूँ इतिहास में, धन पान ल जायो नहीं थारो, रणवीरा वे सरदार बना। क्यों नहीं अकबर भी सेना आगे सरदार बनिया। हे माँ, हे धरनी माँ, तू एडा एडा बेटा जन्म लिया है कि थारो धन पान कौन न जायो, थारी लाज कौन। आज उजाड़ी मैं माँ जो इतिहास में माई डेडा भूत जनिया, अन पान लजायो ली थारो रणवीरा वे सरदार बनिया। मेरे अरे मन सू पाती लाल सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुकियो नहीं न हरियो अकबर री सेना री आगे। अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए वो सर सर आज उसने अपना सर नहीं झुकाया। हिंदू आंसू रज मेवाड़ आज रतन। अरे हिंदू धर्म हो आपको यदि हिंदू बनना है तो स्वामी विवेकानंद की तरह बने। आपको यदि मुस्लिम बनना है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह बने, वरना कोई अपना धर्म नहीं चुने। क्योंकि ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। अरे हमारे हाँ जी बल्ले के वैध जमाने में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था जय जीतू, और उस फिल्म का अहम रोल ये कि जब माना प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है तो माना प्रताप का साथी हुआ था जिसका क्या नाम था। हाँ जी माना प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, क्या नाम था, चेतक। अच्छा माना प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध लड़ने के लिए जा रहा है, माना प्रताप की पत्नी चेतक को बोल रही है, चेतक तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़।